त्योहारों का टाइम आ चुका है और हम सब अपने घर में अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी फॉर हेल्थ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही झटपट और टेस्टी सा बर्फी का रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे बादाम के साथ। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है बादाम, जिसको मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो कर रखा था। इससे इसका छिलका आराम से निकल जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप बादाम को 2 घंटे गर्म पानी में भिगो कर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसका छिलका निकल जाता है। तो सारे बादाम को हमने अच्छे से छील लिया है। अब इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। तो ये जो बर्फी हम आज बनाने वाले हैं, बहुत ही इंस्टेंट और हेल्दी बर्फी है। इसमें हम चीनी का भी यूज़ नहीं करेंगे। तो बादाम का एक कोर्स पाउडर रेडी हो चुका है। इसमें अब हम पानी डाल के इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। आप चाहे तो इस पर दूध का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो लीजिए, हमारा बादाम का जो पेस्ट है वो बिल्कुल रेडी है। इसको ज़्यादा महीन मत करिएगा, वरना जो बर्फी का टेक्सचर है वो उतना टेस्टी या अच्छा नहीं आएगा। अब एक कढ़ाई में हम लेंगे घी। घी यहाँ पे हम बहुत ही कम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें जो बादाम है उसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। हम बस उसको हल्का ड्राई कर लेंगे। तो बनाए हुए बादाम के पेस्ट को घी के ऊपर डाल के मीडियम फ्लेम में 3 मिनट तक रोस्ट कर लीजिए। डिपेंड करता है आप कितना क्वांटिटी में बना रहे हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप 2 मिनट भी रोस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो आप इसको 4 से 5 मिनट तक रोस्ट कर सकते हैं। बेसिकली इस बादाम को हम ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। तो हमारा बादाम है जो अच्छे से ड्राई हो चुका है, मैंने इसको 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में रोस्ट कर लिया था। अब इस कढ़ाई को साइड रख देंगे और अब हम एक सिरप बनाएंगे, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं जैगरी पाउडर। आप चाहे तो गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर भी यूज़ कर सकते हैं। जैगरी के ऊपर हम पानी देंगे और पानी देके इसको एक बॉयल आने देंगे। तो अच्छे से मिक्स करके जैगरी को 2 मिनट तक पका लीजिए। तो जैगरी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसको अब हम बादाम वाले कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही झटपट वाला प्रोसेस से हम बादाम का बर्फी बना रहे हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होता है, बड़ी आसानी से बन जाता है। तो अब फ्लेम को वापस ऑन कर लीजिए और मीडियम से हाई फ्लेम में आप इसको कंटिन्यूसली चलाते रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी ये हल्का पतला है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे वैसे वैसे ये और गाढ़ा हो जाएगा। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसमें अब हम हल्का हल्का घी और ऐड कर सकते हैं, ताकि जो हमारा बादाम है वो जल ना जाए। अब डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर और अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इसको पकने में करीब करीब 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी और ऐड कर दिया है। इसको अब हम इस तरीके से कुक करते रहेंगे। तो लगातार चलाते हुए हमारा जो बादाम का मिक्सचर है वो अच्छे से पैन के साइड्स को छोड़ चुका है। अब हम एक छन्नी लेंगे। छन्नी के ऊपर एक हल्का सा ग्रीस कर देंगे घी के साथ। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं या फिर टिन ले सकते हैं। उसको अच्छे से ग्रीस करना है और हमारे बर्फी के मिक्सचर को उसमें डाल के हम फ्लैट कर देंगे। तो इस बर्फी के मिक्सचर को अपने हाथ की मदद से या फिर आप एक स्पैटुला से एकदम इवनली स्प्रेड कर दीजिए प्लेट के ऊपर। और इस बर्फी को जमने में करीब करीब 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं।
तो आप इसको इस तरीके से सेट करके हल्का ठंडा होने दें और फिर फ्रिज में इसको डाल के सेट कर लें। तो बर्फ़ी के ऊपर मैं यहाँ पे कुछ कटे हुए बादाम के स्लाइसेस डाल रही हूँ। जो भिगोए हुए बादाम थे मैंने उसी के स्लाइसेस किए थे और साइड रख लिए थे कुछ, तो उन्हीं को मैं ऊपर से गार्निश के लिए यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो ऊपर और भी ड्राई फ्रूट्स को महीन महीन चॉप करके डाल सकते हैं। तो हमारी बादाम की बर्फ़ी बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम सेट कर लेंगे और फिर इसको हम पीसेज में काट लेंगे। तो आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, आप चाहे स्क्वायर बना सकते हैं या फिर आप इसको कतली का भी शेप दे सकते हैं। तो आज मैं इनको कतली का शेप दूंगी। ये जो बादाम की बर्फ़ी है बड़ी ही हेल्दी होती है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। और हमने घी भी ज़्यादा ऐड नहीं किया है, तो इसमें कैलोरीज़ भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बर्फ़ी जिसमें बहुत सारा घी और चीनी होता है। तो आप इसको गिल्ट फ्री इस त्यौहार में इंजॉय कर सकते हैं और इस बर्फ़ी को आप किसी भी फास्टिंग के टाइम पर भी खा सकते हैं। तो लीजिए, मैंने इसको कतली का शेप दे दिया है और हमारा बादाम का बर्फ़ी बनके बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी और हमारे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि आप हमारे फ्यूचर के वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।